हेलो वेलकम भाई दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैपटॉप के पावर बैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे लैपटॉप के लिए पावर बैंक, वो भी 12 वोल्ट की बैटरी के हेल्प से। दोस्तों बेसिकली लैपटॉप को जो ज़रूरत होता है 18 वोल्ट से एबव की वोल्टेज, मतलब 18 से 20 वोल्ट के बीच में पावर की ज़रूरत होता है चार्जिंग के लिए, और इसे रन करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों हमारे पास है 12 वोल्ट की बैटरी। इस 12 वोल्ट की बैटरी को एक मॉड्यूल के हेल्प से 18 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं, जिससे हमारा लैपटॉप प्रॉपर चार्ज होगा और हम लोग चार्ज करके भी देखेंगे कि हमारा बैटरी जो है कितने देर तक बैकअप कर देता है, क्या हमारा लैपटॉप को प्रॉपर चार्ज कर पाता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा एक मॉड्यूल का, जिसके हेल्प से हम लोग 12 वोल्ट को 18 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। दोस्तों इसकी बाई करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप बाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है दोस्तों, इसे 4 से 5 एम्पीयर तक आराम से वोल्टेज को आउटपुट लिया जा सकता है 18 वोल्ट में। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे हमारे पास 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों, और साथ में इस तरह के एक केबल का ज़रूरत पड़ेगा जिससे हम लोग लैपटॉप को कनेक्ट कर सकें। ये पुराने चार्जर का केबल है दोस्तों, उसको मैंने निकाल लिया है ख़राब चार्जर से। इन्हीं कंपोनेंट के हेल्प से हम लोग एक अच्छा खासा मॉड्यूल क्रिएट करने वाले हैं, जिससे हम लोग अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे। तो चलिए इसे अनपैक कर लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा मॉड्यूल, जिसमें दोस्तों इस साइड से हमारा जो वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज दिया है, और साथ ही में इधर से आउटपुट। दोस्तों इसमें इस तरह से एक वायर का यूज करेंगे, जिसके हेल्प से हम लोग दोस्तों इसे इनपुट वोल्टेज देंगे। ये देखिए, इस तरह से बैटरी को भी प्रॉपर कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक ही और ध्यान देंगे इस मॉड्यूल में, जो दोस्तों हमारा 4 पॉइंट दिया है, यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट है, और लास्ट वाला जो पॉजिटिव है। अब इसे हम बैटरी में कनेक्ट करके देखते हैं क्या हमारा मॉड्यूल अप होता है या नहीं। काफी अच्छा ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब दोस्तों इसके आउटपुट को भी कनेक्ट करने वाले हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं इसके इनपुट वोल्टेज पे कितना वोल्टेज आ रहा है और आउटपुट में कितना दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा इनपुट वोल्टेज जो है 11.44 वोल्टेज आ रहा है, और आउटपुट ये 20 से ऊपर आ रहा है। इसको हम लोग दोबारा से चेक करते हैं, 20 से अबव है, तो मल्टीमीटर को 200 वोल्टेज वाले रेंज पर रखेंगे और चेक करते हैं। देखिए यहाँ 24.5 वोल्टेज आ रहा है, तो इसे हम सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं कि हमारा 18.5 या 18.4 वोल्टेज के आसपास मिले, ताकि हमारा लैपटॉप प्रॉपर चार्ज हो सके। देखिए इन दोनों केबल को आउटपुट में लगाते हैं मल्टीमीटर के। देखिए ये हमारा जो है 24.5 वोल्टेज आ रहा है। इस वेरिएबल के हेल्प से हम लोग इसे एडजस्ट करने वाले हैं, तो इसे हम लोग और थोड़ा कम करते हैं वोल्टेज को। यहाँ 20 वोल्टेज पर आ गया, और थोड़ा कम करते हैं, ये हमारा 18.5 वोल्टेज सेट हो गया। अब इसे 20 वोल्ट के रेंज पर रख के एक बार चेक करते हैं कितना हमारा शो कर रहा है। ये हमारा हो चुका सेटिंग।
अब इसके बाद हम लोग दोस्तों इसके आउटपुट का कनेक्शन करेंगे। तो इस ये वायर को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, तो चलिए इसे पहले काट कर प्रॉपर कर लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें एक दो और तीन वायर मिल गया। जो ये ब्लैक वायर है ग्राउंड पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, और वाइट वायर को पॉजिटिव में, और ये हमें बैटरी इनपुट वोल्टेज पर कनेक्ट करने वाले हैं वो भी रेजिस्टेंस की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक वाले को ग्राउंड में कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा दोनों आउटपुट पॉइंट कनेक्ट हो चुका है। अब ये तीसरे पॉइंट को हम लोग रेजिस्टेंस के हेल्प से कनेक्ट करने वाले हैं, ताकि हमारे लैपटॉप को सिग्नल एसी इन का सिग्नल प्रॉपर मिले। इसको मैं एक बार चेक भी करा देता हूँ दोस्तों कितने ओम का है। तो हम लोग इसे 2 किलो ओम पर रखते हैं और चेक करते हैं। 0.98 मतलब 1 ओम के आसपास शो कर रहा है। तो इसको हम लोग अच्छे से इस तरह से कस लेंगे ब्लू वाले वायर में। और इसको हम लोग इस रेजिस्टेंस को बैटरी इनपुट वोल्टेज में इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट में कनेक्ट करने वाले हैं। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग फाइनली बात करेंगे टेस्टिंग का। तो उससे पहले हम लोग दोस्तों इस वायर को सही से कस लेते हैं। और इनके इसके आउटपुट को भी चेक कर लेंगे एक बार फिर से कि क्या प्रॉपर जनरेट कर रहा है कि नहीं। दोस्तों अगर आप इस तरह के 12 वोल्ट की बैटरी के स्थान पर इस तरह का लिथियम बैटरी को यूज करेंगे तो काफ़ी देर तक बैकअप देगा, और आपका लैपटॉप प्रॉपर चार्ज भी होगा। इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है दोस्तों इस बैटरी के। तो देखिए हमारा एक की टर्न हो गया, और यहाँ पर LED लाइट भी ग्लो कर रहा है। अब टेस्ट करेंगे कि कितने वोल्टेज हमारा आउटपुट में शो कर रहा है। तो इसको 200 वोल्टेज पर रख लेते हैं, 200 से डाउन ही करते हैं, 20 वोल्टेज पर रखते हैं और चेक करते हैं। इसको ग्राउंड पर रखेंगे और इस पर चेक करेंगे। देखिए 18.49 लगभग प्रॉपर ही है। और इसके एक बीच में पॉइंट जो है बैटरी से हमारा कनेक्टेड था जो रेजिस्टेंस की हेल्प से, वहाँ पर भी 11 पॉइंट कुछ वोल्टेज देखने को लिए मिल जा रहा है। तो वो हमारा कनेक्शन प्रॉपर है। अब फाइनली चेक करते हैं लैपटॉप पर कनेक्ट करके कि हमारा ये लैपटॉप चार्ज हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर लाइट हमारा व्हाइट जला और रेड हो गया, अब ये चार्जिंग मोड में चला गया। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। तो इसको चार्ज होने देते हैं। कंपोनेंट दोस्तों हीट तो नहीं हो रहा है। अभी चेक करते हैं इसके इनपुट पर कितना वोल्टेज आ रहा है और उसके आउटपुट पर कितना आ रहा है। देखिए इनपुट पर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ 11:44 के जगह 11:32 हो रहा है, और आउटपुट में दोस्तों हमारा 18:55 मतलब डन है, कोई इशू नहीं है, प्रॉपर काम कर रहा है। कंपोनेंट दोस्तों हीटिंग नहीं हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं इस बैटरी के स्थान पर दूसरे वाली बैटरी को लिथियम बैटरी को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये चार्ज हो रहा है कि नहीं प्रॉपर। इस वाले बैटरी से भी प्रॉपर काम कर रहा है, आउटपुट देख लेते हैं एक बार फिर से। आउटपुट बराबर है,
कोई भी बैटरी यूज कर रहे हैं लेकिन हमारा जो आउटपुट है बराबर आ रहा है। चार्जिंग भी हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, दूसरे भी लैपटॉप को भी लगा कर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा चार्जिंग सपोर्ट करता है कि नहीं। ये हमारा HP का लैपटॉप है, इसको भी लगाते हैं। देखिए चार्जिंग केबल प्लग इन दिखा रहा, कोई भी दोस्तों कंपोनेंट इसमें हीट नहीं हो रहा है। इससे पहले एक और मॉड्यूल का मैंने टेस्ट किया था, उस मॉड्यूल में दोस्तों सारे कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। तो ये प्रॉपर वर्किंग में है। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में, देखते हैं कि हमारा बैटरी कितने परसेंट चार्ज करता है। देखिए ये हमारा बैटरी 1 पॉइंट बढ़ चुका है। सो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी बैटरी के हेल्प से अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस मॉड्यूल को एक एडाप्टर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।